साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएम गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब आलम नूर हैदर के साथ। चंद अहम मौजूदात पे हमने गुफ्तगू करनी है, गो कि वो मौजूदात सियासी नहीं हैं, ये मौजूदात इनके अपने सब डिवीजन से मुतालिक हैं। 27 दिसंबर को गिलगित बल्तिस्तान में जलजला आया और जलजले की शिद्दत जो थी वो 5.3 रिक्टर स्केल बताई गई थी, और ये जलजले का जो मरकज़ था वो अस्तोर से तकरीबन 26 किलोमीटर जनूब की जानिब था और उसकी गहराई 45 किलोमीटर थी। इस जलजले के बाद से सबसे ज़्यादा जो तबाही देखने को मिली वो गिलगित बल्तिस्तान का, पर्टिकुलरली बल्तिस्तान डिवीज़न का जो सब डिवीज़न है रुंदू में बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली। बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए, जानी नुकसान नहीं कोई हुआ, अलबत्त माली नुकसान हुए हैं, लोगों के घर तबाह हुए हैं, और जिसके नतीजे में लोगों को अब टेंट विलेजेस में रहने पर मजबूर होना पड़ा है। तो इस हवाले से तफसीलात हम इनसे जानेंगे। हमने पिछले संडे को एक ट्विटर स्पेस भी किया था, उस ट्विटर स्पेस में भी हमने जो हालिया जलजला आया था उस हवाले से गुफ्तगू की थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, रुंदू के मुकामी लोग भी मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने सजेशन दिए किस तरह से इदारों को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। तो हम जानेंगे हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत आलम नूर हैदर साहब। आलम नूर हैदर साहब, अभी बताएं कि जो हालिया जलजला आया तो उसके नतीजे में आपका आबाई इलाका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ जी, तो मुझे ये बताएं कि कोई डेटा मुझसे शेयर करें कि कितने घरों को नुकसान पहुँचा है और उनमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर मुकम्मल जो तबाह हुए वो घर कितने हैं और जो पार्शली तबाह हुए उनकी तादाद क्या है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी डी साहब के आप यहाँ पे आए और अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी, गुज़श्ता जो हफ्ते जो गिलगित बल्तिस्तान में जिलजिला आया, इससे हमारा जो सब डिवीज़न रुंदू है जो कि तकरीबन लगभग 80,000 के करीब आबादी है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, और जिलजिले का मरकज़ भी मेरे ख्याल से रुंदू के एरियाज ही हैं और डस्किन वगैरह में, और इससे खुसूसन रुंदू का जो एक गंज यूनियन है और मेंद यूनियन को हिट किया है, इसमें गंज यूनियन ज़्यादातर तकरीबन 80% वहाँ पर जिले का शिकार है, जिसमें तलु है, तलुक है, गंजी है, मलियार है, फिर उसके बाद युलगू है, सबसर है, शेंगुस है, और इसके अलावा बिलामिक थोड़से है, उस तक में भी कुछ वहाँ पर नुकसान हुए हैं, मगर अभी तक की जो क्योंकि सर्वे तो इस वक्त जारी है क्योंकि इस वक्त बर्फ़बारी की वजह से बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और दूर दराज इलाका है, और जब जिलजिला आ गया तो आपको पता है कि जो आमद रफ्त का जो एक सिलसिला है रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, 21 के करीब रोड्स क्या कहते हैं वहाँ पर मुतासर हुए हैं। ये है कि वहाँ पर बहुत सारे नुकसान हो गए हैं, और जैसे ही जिलजिला आ गया चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद में मौजूद थे, मैं खुद भी इस्लामाबाद आया हुआ था, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब सिकंदू गए, सिकंदू जाने के बाद पहली ही तरजीह सीएम साहब ने कहा कि मैंने रुंदू जाना है और वहाँ पे जो जिले से मुतासिर हुए लोगों से मिलना है। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे आबाई गांव हमारे कहने पे रिक्वेस्ट पे मेरे ही आबाई गांव तलु गए, वहाँ पे मुतासिर से मिले और बाकायदा तौर पर तमाम जो सूबाई इंतज़ामिया है उनको एक्टिव कर दिया, जो NDA में है इसके बाद जो हर डिपार्टमेंट जो गिलगित बल्तिस्तान के है जिससे रिलेटेड है, चाहे वक्स का हो, वाटर एंड पावर का हो, सब को अलर्ट कर दिया, इसमें पावर हाउसेस भी डिमोलिश हो गए हैं। और आल रुंद की हम बात करें तो तकरीबन मैं आपको बताऊँ 5,000 से ज़्यादा वहाँ पे गिराने वहाँ पे मुतासर हो गए हैं। 5,000 से ज़्यादा गिराने मुतासर हुए हैं, मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो आप मल्टीप्लाई करें तो फिर वो इसी हिसाब से बनेंगे, और जो अभी तक हमें जो ऑफिशियली तौर पर जो हमें डेटा फ्राहम किया गया है उसमें से 3,000 के करीब मकान जुजवी तौर पर वहाँ पर नुकसान पहुँचा है, और 400 से 500 तक जो मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, और इनमें से वाटर स्कीमें सप्लाई की और उसके पावर हाउसेस हैं, फिर उसके डिस्पेंसरीज हैं, ये सारे क्या कहते हैं वहाँ पर डिमेज हो गए। चीफ मिनिस्टर के जाने के बाद वहाँ पे
आर्मी भी है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। कुछ एरियाज तो ऐसे थे खूबसा जूचिए बाची गाँव जी जी पहुंचने मुश्किल तौर पर वहाँ पे कट गया था। वहाँ पे बाची में आर्मी की हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रेस्क्यू भी किया गया, जख्मियों के जो जख्मी थे, फिर अरीज जो थे बाकायदा मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, और उनको दीगर जो राशन हो गया, टेंट हो गया, वो भी पहुँचा। अच्छा, मुझे एक बात बता देंगे आप कि ये सब हुआ तो हमारे पास पाकिस्तान में एक हमारे इदारा है NDMA और उसके मातहत PDMAs बने हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर GBDMA है और ज़िली सतह के ऊपर फिर वो के DDMA होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसमें जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो सबसे पहले रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू होता है, उसके साथ साथ फिर रिलीफ ऑपरेशन उनको दिए जाते हैं, फिर उसमें घर पर मेडिकल सप्लाई, अब बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के ये सारा एक रेस्क्यू मिशन, उसके बाद से उनकी को रिलीफ, फिर रिहैबिलिटेशन, फिर रिकंस्ट्रक्शन, ये मराहिल हैं। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि वहाँ पर DDMA का और GBDMA का कितना रोल रहा है इस सुल्तान। नहीं देखें, सूबाई इंतजामिया चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स पर DDMA जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, रेस्क्यू है, सारे वहाँ पे जो हमारे सब डिवीज़न में एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है उनकी सरबराही में बाकायदा तौर पर वहाँ पे जगह जगह गए हैं, बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब भी खुद चुटाली साहब वहाँ पे बना से नफीस खुद पहुँच गए हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने कोशिश की है कि डेटा हासिल करें, फिर उसको जो इंतज़ामिया है वहाँ की, रोनतू इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक इंतज़ामिया सारी वहाँ पर मौजूद रही है, अलर्ट रहे हैं। इसमें उनकी मैं ये नहीं समझता है कि उनकी तरफ से कोई कोताही, बड़ा ही इलाका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मजमूई तौर पे कितने लगभग कितने नफूस होंगे, कितने अफराद होंगे जो कि इस वक्त टेंटू में रहने पर मजबूर हैं। देखें, रोंदू एक छोटी आबादी है, हज़ारों की आबादी है, तो मैंने कहा हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग इस वक्त टेंटू में है। अच्छा, मुझे बताया कि लास्ट टाइम में चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, फिर अभी गवर्नर साहब बाकायदा तौर पर डिज़ास्टर मैनेजर, उसके बाद और उसके बाद आर्मी जिसमें बासत ब्रिगेड हो गया, फिर हिलाल अहमद हो गया, फिर उसके बाद जो MD बैतुल माल उनको साथ लेके गए हैं, और उनकी कोशिश है कि भाई वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनको, जो हकीकी मुतासर हैं उनको एकोमोडेट किया जाए, राशन पहुँचाया जाए, खेमे पहुँचाए जाएँ। तकरीबन 1600 से तकरीबन 2000 के करीब मेरे ख्याल से टेंट वगैरह क्या कहते पहुँचाए गए हैं, मज़ीद भी जो ज़रूरत है पहुँचा रहे हैं। कुछ शिकायतें भी आई कि कुछ हमने वीडियोस भी देखी, लोगों की शिकायतें थी, उसमें उनका यह कहना था, गिला था सरकार, हमारी हुकूमत से चूंकि जिम्मेदारी बनती है, वो वहाँ के शहरी हुकूमत नहीं काम करेगी उनके लिए तो फिर कौन काम करेगा। अच्छा, उनका यह गिला था कि हमें इतने पतले पतले टेंट्स हमें दिए गए हैं, इसमें सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते बच्चे खसूसा, और वो डिमांड ये कर रहे थे हमें विंटराइज्ड टेंट्स, जो कि थिक टेंट होता है, बड़ा टेंट होता है। लेकिन क्या है, मुझे बताएं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं? लोगों का ये कहना है कि जो वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ भी सामने आई हैं वो ये थी कि कुछ लोगों को दो दो मरतबा भी रिलीफ मिला, खुराक मिली, लेकिन कुछ लोगों को वो ना मिली जो कि रियली डिज़र्विंग थे। क्या ऐसे मतलब कोई खबरें आपके पास आई हैं? बड़े सतह पर ऐसे वाक़ात होते हैं तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि जो हकदार है, जो हकीकी मुतासिर है, जिनके घर डैमेज हो गए हैं, जो कि बेघर हुए हैं, उन तक उनको इंसाफ पहुंचे। ऐसा नहीं है कि इस वक्त गवर्नमेंट के अलावा भी जो दीगर जो इदारे हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रहे हैं, खैराती इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से अपनी एक ज़ाहिर है उनकी अपनी एक तरजीह होती है कि वो अपने तौर पर एक डिस्टेंस बनाते हैं, उसी के तहत वो लेके जा लेते हैं। और इंतज़ामिया भी कोशिश ये होती है कि अगर ये इदारे भी आ जाएं तो फिर इंतज़ामिया के थ्रू दे दें ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से इमदाद पहुंचाई जा सके। इस वक्त मैं ये समझता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे वज़ीर आला साहब के हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है इसके ऊपर फोकस रखे हुए हैं, जिसमें सिविल उस फोर्स के साथ जो हमारी मिलिट्री है ये भी ऑन बोर्ड है, हम उनके भी तहत से मशहूर हैं कि वो लोग भी मुख्तलिफ जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री और क्या सिविल उनके साथ मिलकर वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे हैं, साथ इमदाद भी पहुँचा। अच्छा, कुछ गांव जैसे आपका तल्लुक आपका अपना आबाई इलाका है उसमें मैंने सुना कि कुछ घराने मतलब दीगर इलाकों में भी मतलब उस सब डिवीज़न के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्दर आगे आने वाले दिनों में जो मौसमी हालात हैं और इसके अलावा जो जल्जले के खदशात हैं,
फिर इसके अलावा बारिशें होती हैं और दीगर मसाइल होते हैं, उसके नतीजे में वो मुस्तकिलन वहाँ नहीं रह पाएंगे, उनके लिए अल्टरनेट जगह की भी बात उन डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत इस हवाले से कुछ सोच विचार कर रही है? देखें, कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें दौरा ही नहीं है कि वहाँ पर रहने के काबिल नहीं है, जिले के आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग बाहर रहने पर मजबूर हैं ठंडों में, और इनकी मुस्तकिल आबादकारी के लिए हम अभी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि इनकी मुस्तकबिल आबादकारी के लिए कोई ना कोई जगह तलाश करनी चाहिए। मुझे बताएं कि चूंकि इस तरह के वाकयात में जब डिज़ास्टर होता है तो उसके नतीजे में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं वो ख़वातीन और बच्चे और जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो क्या सूरत हाल है जो वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज की? मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं जो कि मुस्तकिलन विजिलेंस रखते हों, क्योंकि ये सर्दियाँ हैं -8 और से लेकर -15 तक का टेम्परेचर रहता है, तो क्या वहाँ पर मेडिकल की टीमें मौजूद हैं जो मुस्तकिलन उन बच्चों पे, उन माओं पे उनका ख्याल रखें? नहीं, जी डी साहब, बात यह है कि मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर डॉक्टर तो मौजूद नहीं है, मगर ये है कि डॉक्टर जो मेडिकल की टीमें हैं वहाँ पर अभी तलु में वहाँ पर मेडिकल कैंप लगा, तलु बुक गए, फिर उसके बाद मलियार गए, फिर उसके बाद सब चल गए, यूल्हू गए, गंजी गए, इस तरीके से आर्मी की मेडिकल टीम है और हमारी जो सिविलियन टीम है बाकायदा तौर पर मेडिकल कैंप लगा का अपना भी कैंप जी, ये मुस्तकिलन जहाँ ज़रूरत पेश आती है वक्तन फवक्तन कैंप लगा के फिर उनके लिए जो बीमार हैं उनके लिए अद्वियात फराहम करते हैं, अगर कोई सीरियस मरीज़ है तो फिर उनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है, मगर मुस्तकिलन एक जगह में डॉक्टर तो अवेलेबल कहाँ हो सकता है। अच्छा, डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान का ये मसला है कि हमारे पास डॉक्टर्स की वो तादाद नहीं है, नर्सेज की वो तादाद नहीं है, हमने चूँकि जो सेहत और तालीम का शोबा है हमने उसको यकसर हमने नज़रअंदाज कर रखा है, ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, पिछले हुकूमतों का भी ये मसला हमारा मजमू ये कलमिया रहा है। तो आप ये बताएं कि आपने बोला कि जो मेडिकल की सर्विसेज वो मुहैया हो रही हैं, लोगों को इमदाद मिल रही है, मुझे बताएं जो इमदादी काम है इस वक्त जो चल रहा है, तो क्या लोगों को कैश की शक्ल में, नॉन फूड आइटम्स की शक्ल में, फूड आइटम्स की, ये तीनों सूरतों में उनको मुहैया की गई? देखिए, कैश की शक्ल में तो अभी तक नहीं दिया है बाहर, मगर इंतज़ामिया ने अभी तक जो सूबाई गवर्नमेंट ने इस वक्त जो टेंट हो गया, राशन हो गया, फिर उसके बाद कंबल हो गया, रज़ाइयाँ हो, ये फराहम किए हैं, ठीक है ना जी। बाकी ये है कि जिनके घर डिमेज हो गए हैं मुकम्मल तौर पर या जिनके पार्शल तौर पर घर डिमेज हो, उनकी बाकायदा तौर पर फिर से बना रहे हैं, सर्वे हो गया, इसका सर्वे हो गया, सर्वे के साथ साथ ये पहली बार है कि 100% जो आपके मुतासिर होते हैं उसका मुआवजा बढ़ा दिया गया है, सीएम साहब ने भी कैबिनेट में अप्रूवल भी दे दी है, तो ये है कि ये पहली बार है कि मुतासिरों को अच्छा खासा मुआवजा मिल गया ताकि वो अपने घर बना भी सकेंगे। मगर ये अभी हिलाल अहमद की जानिब से कल गवर्नर साहब गए हैं, उसने कुछ कैश की सूरत में कुछ जगह तकसीम की है, बाकी ये सूबाई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं की, मगर ये है कि मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने की भरपूर कोशिश करी है। अब इसमें एक अच्छा सिस्टम यह किया है कि हर गांव सतह पे कमेटी बनाई गई है जिसमें मस्जिद का इमाम भी है, फिर उसके बाद आपके इलाके के जो सरकारी मायदीन हैं वो भी शामिल हैं, उन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई हैं, आपकी जो सूबाई इंतज़ामिया है उन तक पहुँचाती है और वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मुतासरीन जो है उनको हकीकी तौर पर इमदाद पहुँचे। अच्छा, अभी बताएं कि चूँकि ज़ाहिर है ये जो डिज़ास्टर होता है वो ये एक दिन का मामला नहीं होता, इसमें एक पूरा एक तरीक़ार होता है जिसके तहत पहले तो लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, अगर कोई इंजर्ड है तो उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट होती है, और उसके अलावा फिर लोगों को शिफ्ट किया जाता है, मेक शिफ्ट हाउसेज बनाए जाते हैं या टेंट विलेज कायम किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की रिहेबलीटेशन और फिर रिकन्स्ट्रक्शन का जो मरहला वो शुरू होता है, यकीन उसके लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, सर्वेज़ होते हैं और बाकायदा उसको साइंटिफिकली लिस्टें बनाई जाती हैं, और उसके नतीजे में जो डिज़र्विंग लोग हैं जिसका जितना नुकसान हुआ है उसी हिसाब से हुकूमत कंपनसेट करती है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तरीके का रहा है। गवर्नमेंट के जो अपने वसाइल को देखते हुए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि मुतासरीन को जो वहाँ पर हैं उनको किसी न किसी लेवल पर जो मसाइल का शिकार है मसाइल हल हों, जिनमें बेसिक चीज़ ये है कि उनको टेंट फराम करना था, रहने के लिए जगह नहीं थी तो जाहिर बात वो टेंट फराम कर दी गई जो हमारे पास मौजूद थी गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना जी। इसके अलावा राशन का जो मसला था तो वो राशन भी क्या करते गवर्नमेंट अपने तौर पर जो ज़रूरतमंद हैं हकीकी तौर पर उनको पहुँचा रही, वैसे तो सर्दियों में आपको पता है कि जो बर्फानी इलाके हैं हमारे वहाँ अपने ये स्टॉक रखते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से डिमेज होकर सारे जो
तबाह नहीं हुए, मगर ये है कि जो हकीकी तौर पर हैं उनको केयर करने की भरपूर अंदाज के साथ कोशिश करें, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ये हमारी पूरी कोशिश है। ये जो जलजला होता है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो भी काम होता है ये इसमें मरहलावार होता है। डिज़ास्टर में के बाद की जो सूरत हाल होती है उसमें मरहलावार काम होता है, लेकिन जो जो प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, जो प्रोएक्टिवली काम किया जाता है, वो ज़्यादातर मेडिकल की सप्लाईज होती है, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इनके यहाँ सड़कें टूटी हैं उनकी बहाली है, इसके अलावा फिर पानी को बहाल करना, पानी की सप्लाईज को बहाल करना, और फिर बेसिक मेडिकल सप्लाईज है, फूड आइटम है, नॉन फूड आइटम्स है, इन सब की अवेलेबिलिटी, इनकी प्रोविजन बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। जैसे ये जिलजिला आ गया है, चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टिव के रोशनी पे जो जो रोड खराब है उनको एक्सिन को डायरेक्टिव दिए गए हैं कि इनकी बहाली के लिए फौरी इकदाम के और काम स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे जो वाटर सप्लाई का इशू था, बाकायदा तौर पर ये भी काम स्टार्ट हो चुका है, और हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पाइप वहाँ फ्राहम कर दिए गए हैं, और जहाँ पे पानी नहीं था तो पानी की एक्सेस कर वो की कर दी गई है। इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, मगर ये है कि मुस्तकिल आबादकारी और मुस्तकिल तौर पर इनके हल के लिए सर्वे जारी है, किसी हद तक सर्वे भी हो चुका है, और इस सिलसिले में सूबाई गवर्नमेंट इस वक्त सारी तवज्जो इस वक्त जो रोंदू के जिले मुतासिन के साथ है, चीफ मिनिस्टर है हमारे साथ, गवर्नर साहब की तवज्जो है, फिर हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर है टूरिज्म नासिर अली खान भी इसके ऊपर तवज्जो दिए हुए हैं। आमतौर पर जो रोड के साइड पर जो एरियाज है उनको देखे चल जाते, मगर हम ऐसा नहीं करें, हमारी गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर एक एक घर का सर्वे करके इंशाल्लाह हकदार को हक मिलेगा और मुतासरीन को और हकीकी तौर पर इंसाफ मिलेगा। मुझे हैरत इस चीज़ की हुई कि यहाँ पे जो हमारे अपोजिशन का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय एक दो बयान के अपोजिशन इस वक्त कोई बाहर है, दुबई में है तो कोई कराची में है, इनको भी चाहिए कि वहाँ से वोट लेते हैं, हमारे हमारे ही अवाम है, चाहे अपोजिशन के हो या हुकूमत के हों, तो इनको भी चाहिए कि अपने तो रोल प्ले करें, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो एक इस वक्त इस वक्त परेशानी के आलम है उन लोग के अवाम, इनकी परेशानियों का अजाला हो सके। जब कोई डिज़ास्टर होता है तो उसमें अपोजिशन गवर्नमेंट या दीगर इदारों की बात नहीं होती, हर बंदे को पहल करने की ज़रूरत होती है, लोगों की जो लोग मुतासर होते हैं उनको जिस बंदे की जो सख्त में जो इमदाद हो सकती है वो दें, इसमें अपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन वहाँ होनी चाहिए जैसे पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर हो, लेकिन डिज़ास्टर की सूरत में हम सबको यकसू होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लोगों की मदद की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ जिस जिस हद तक मुमकिन हो सके गवर्नमेंट का साथ दें, इदारों का साथ दें, ताकि वहाँ के लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। थैंक यू सो मच। ये थे आलम नूर साहब, सी एम गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर। इन्होंने तफसीलन, क्योंकि ये इनका हल्का भी है रुंदू और एक बहुत बेहतरीन इलाका है लेकिन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ये फैला हुआ है, इसमें कई देहात हैं तो आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल में जाहिर बात है डिपार्टमेंट्स को वक्त लगता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक इदारा है जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वो गाहे बे गाहे जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कॉन्टिनेंटल और यूरेशियन जो प्लेट है उसके ऊपर है और हम फॉल्ट लाइन्स के ऊपर रहते हैं, तो ऐसे में यकीनन वल्नरेबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो डिज़ास्टर की सूरत में हम सबको प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हमारे जो हुकूमतों को चाहिए कि अपनी पॉलिसी में शामिल करें कि जो सिस्मोलॉजी है या क्लाइमेट है वो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, और इसके अलावा कॉलेज लेवल पर पढ़ाया जाए, बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो किसी हद तक, क्योंकि अब छुट्टियाँ हैं लेकिन आगे आने वाले दिनों में इमरजेंसी बुनियादों पर बच्चों को टेंट विलेज के अंदर ही जो है ना तालीम का निज़ाम कंटिन्यू करने की ज़रूरत होगी, लेकिन तब तक यकीनन जो वहाँ के मकीन हैं जो बेघर हुए हैं उनके मुश्किलात भी किसी हद तक कम हो जाएंगे।